नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। ये चैप्टर 13 है क्लास 6 की एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का। 16 के 16 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, वहां जाइए और वहां पर जाके उनको आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की किताब की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मैग्नेट्स के बारे में सीखेंगे फ्रेंड्स, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैग्नेट्स के बारे में, उनके नॉर्थ साउथ पोल क्या होते हैं, कैसे उनका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनता है, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा देखेंगे। देखिए क्लास 6 के सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो मैग्नेट्स का बहुत बेसिक आइडिया दिया गया है, लेकिन इससे एसोसिएटेड कुछ हायर कॉन्सेप्ट्स भी मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आप एक बेस बना सके उसका। और जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी और मैग्नेट्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी, जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। थोड़ा पेशेंस के साथ उनको सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। साथ साथ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स बहुत अच्छी हैं, आप नीचे दिए हुए लिंक पर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स का लिंक दे रखा है, आप उनको डाउनलोड करिए और पढ़िए, बहुत अच्छी किताबें हैं फ्रेंड्स ये। अब देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं पहेलियों बूझो, फिर से वापस आ गए। तो पहेलियों बूझो एक ऐसी जगह पे गए जहां बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जमा हुआ है और बिल्कुल हीप बन गया है वेस्ट मटेरियल का, कुछ इस तरीके से कहते हैं ना कि एक पहाड़ सा बना हुआ है वेस्ट मटेरियल का। वहां कुछ बहुत एक्साइटिंग हो रहा था, एक क्रेन आ रही थी ऐसी, ठीक है, उस क्रेन में ऊपर एक ऐसा एक्सटेंशन गया था और उससे नीचे एक ऐसा बॉक्स लटक रहा था, और जैसे इस बॉक्स को इस हीप्स के पास लेके जा रहे थे तो अपने आप जो आयरन जंक के पीसेस थे वो इस बॉक्स के साथ अटैच हो रहे थे और ये क्रेन उनको इन हीप्स से अलग हटा रही थी। तो मतलब आयरन पीसेस को इस वेस्ट प्रोडक्ट में से ये जो ब्लॉक है ये खींच रहा था, ठीक है। तो अब ये सब चीज देख के ये पहेली और बूझो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हुए। अब पहेली बूझो को अभी अभी मैग्नेट्स के बारे में पता चला था और उनको पता चल गया कि ये जो बॉक्स है ना ये एक्चुअली में एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट आयरन को जंक यार्ड में से खींच रहा है और जंक यार्ड से अलग कर रहा है। अब हम लोगों ने बहुत सारे मैग्नेट्स को देखा है, हम लोगों ने खेला भी है फ्रेंड्स, आपने नक्शा कर देखा होगा कि दो मैग्नेट्स को पकड़ के हम लोग उनके दो एंड्स को मिलाते हैं और जो दूसरा एंड है जो एक दूसरे को रिपेल करता है उसको जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करते हैं पर हम देखते हैं कि वो मिल नहीं पाते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीजें देखी हैं। फिर हम लोगों को नॉर्मली अपने घरों में भी मैग्नेट्स देखने को मिलती हैं, आप कहीं अगर घूमने गए होंगे, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुन्नार घूमने गए या फिर मान लीजिए आप श्रीनगर घूमने गए या इनकेस आप कहीं पे भी थाईलैंड गए या रशिया गए, तो वहां पे आपने देखा है फ्रेंड्स कि हर एक जगहों पे कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, उन स्टिकर्स के पीछे एक मैग्नेट लगी होती है, वो सुवेनियर से बिकते हैं, उन स्टिकर्स को लाके आप अपने फ्रिज पे चिपका देते हो, एक कहते हैं ना याद के लिए कि हम लोग इस जगह पे गए थे। तो वो जिस मैग्नेट जिस चीज के थ्रू वो स्टिकर्स आपके फ्रिज से चिपक जाते हैं वो मैग्नेट्स होती हैं, और ये आपको अलमीरा पे भी मिलेंगी, रेफ्रिजरेटर के डोर्स पे भी मिलेंगी, पिन होल्डर में भी ये मैग्नेट्स चिपक जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैग्नेट्स का डेली लाइफ में बहुत सा यूज है। अगर आप अपना पेंसिल बॉक्स देखेंगे, कुछ हाईटेक टाइप के पहले हमारे समय पे तो पेंसिल बॉक्स होते थे जो खांचे में फंसते थे, अब जो पेंसिल बॉक्स होते हैं उनके लिड को अगर आप सीधे सीधे अगर बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक लॉकिंग अरेंजमेंट से बंद जाएंगे क्योंकि उनमें एक मैग्नेट लगी हुई थी। तो पिन होल्डर्स में, स्टिकर्स में, पेंसिल बॉक्सेस में आजकल हर जगह मैग्नेट लगी है। तो फ्रिज के दरवाजे पे यहाँ पे जो चीज चिपक रही है वो मैग्नेट है, पेंसिल बॉक्स में ये जो चीज चिपक रही है वो मैग्नेट है, ये जो पिन है वो मैग्नेट है, आप खींच के निकाल सकते हैं एक एक अपने यूज के हिसाब से। तो डेली मर्रा की चीजें में मैग्नेट्स छुपी हुई हैं और इनका डेली मर्रा के यूजर्स भी हैं। अब यहां पे बात आती है कि मैग्नेट्स डिस्कवर कैसे हुए। यस देखिए, वैसे तो मैग्नेट्स की डिस्कवरी पे बहुत सारी कहानियां हैं, बट यहाँ पे एक शेफर्ड था मैग्नेस नाम का, वो एंशेंट ग्रीस में रहा करता था, तो वो रोज अपने भेड़ बकरियों को बाहर लेके जाया करता था पहाड़ों में ग्रेस कराने के लिए। उसके पास एक स्टिक था, उस स्टिक से वो इन भेड़ बकरियों को कंट्रोल करता था। नॉर्मल की डेट में आज भी गांव में आपको ऐसा सीन देखने को मिल जाएगा, एक आदमी अपनी भेड़ बकरियां गायें भैंसी बछिया चराने के लिए निकल जाते हैं, उनके पास एक स्टिक होती है और उस स्टिक के एंड पे इस मैग्नेस ने एक पीस ऑफ आयरन अटैच कर रखा था। तो मैग्नेस ने अपने स्टिक के एंड पे एक पीस ऑफ आयरन अटैच कर रखा था, तो ऐसे वो अपनी स्टिक को लेके घूम रहा था, एकदम से देखा कि उसकी स्टिक जो स्टिक के एंड का जो आयरन है वो किसी चीज पे चिपक गया, किसी रॉक पे चिपक गया, और वो इतनी बुरी तरीके से चिपक गया कि वो खींचने की कोशिश कर रहा है पर बहुत मुश्किल से छुड़ा पा रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो आयरन है वो किसी एक रॉक से चिपक गया। तब उस मैग्नेट ने देखा कि ये चिपक क्यों गया, वैसे तो हर चीज से चिपकता नहीं पर यहां कैसे चिपक गया। यहां पे उस एक चीज पता चली कि वो जो रॉक था वो नेचुरल मैग्नेट था जिसने आयरन की टिप को, वो आयरन की टिप जो कि शेफर्ड की स्टिप पे थी, उसको अपने साथ चिपका लिया और इस तरीके से डिस्कवरी हुई किसकी, नेचुरल मैग्नेट्स की।
इन रॉक्स को एक नाम दिया गया जिसको कहा जाता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आर बेसिकली नेचुरल मैग्नेट्स। मैग्नेटाइट में होता क्या है, इनके अंदर आयरन एक मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो एक ये कहानी है, कुछ कहानी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैग्नेटाइट ये जो रॉक है वो जिस जगह पे सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ था उसको बोला जाता है मैग्नीशिया। तो इस तरीके की कहानी बहुत सारी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मैग्नेट्स होते क्या है, मैग्नेट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन को अट्रैक्ट कर सके। तो ये एक स्टोरी है, ठीक है। इस स्टोरी को क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है तो आप अपने आंसर्स में कोट भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आप क्लास सिक्स के जो पेपर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो पीपल ने डिस्कवर किया कि भाई कुछ ऐसी रॉक्स होती है जो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। और ये जो रॉक्स होती है जो कि मैग्नेट्स होती है, इनके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ नेचुरली अकरिंग मटेरियल मैग्नेट्स होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये जो नेचुरली अकरिंग थी, इंसान ने मैग्नेट्स को आयरन के पीसेस से बनाने का तरीका भी खोज निकाला। और जो इंसान आर्टिफिशियली मैग्नेट्स को बनाता है उसको क्या बोला जाता है, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोला जाएगा। आज की डेट में आर्टिफिशियल मैग्नेट्स प्रयोग की जाती है बहुत तरीके की। ये देखिए सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट है, ये हॉर्स शू बार मैग्नेट है, ये एक नॉर्मल बार मैग्नेट है। तो सिलिंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ये बार मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, ये अलग अलग तरीके के मैग्नेट आपको देखने को मिल जाएंगी। अब कुछ इसके एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। एक पहली एक्टिविटी आपके सामने यहाँ पे आ रही है फ्रेंड्स, ये एक प्लास्टिक या पेपर कप लीजिए ऐसा, और उसको एक क्लैंप के थ्रू कुछ इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। इस फिगर में आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हेड है, यहाँ पे एक क्लैंप है, इसमें एक छोटा सा खांचा है, उसमें आपने इस प्लास्टिक पेपर को डाल दिया। अब इस प्लास्टिक वाले ग्लास के अंदर आप एक मैग्नेट डाल दीजिए और उसको ऊपर एक पेपर से ढक दीजिए। तो इस प्लास्टिक के ग्लास के अंदर एक हल्की सी मैग्नेट पड़ी हुई है। अब एक थ्रेड के साथ एक छोटी सी क्लिप आयरन की बनी हुई बांधिए, ये रही थ्रेड, उसके साथ ऊपर की तरफ आपने एक छोटी सी आयरन की क्लिप बांधी और नीचे से इस थ्रेड को आपने इस बेसमेंट के साथ जोड़ दिया। और इस आयरन को क्लिप को आप ऊपर लेके गए, थोड़ा सा इससे नीचे, इसे टच नहीं कराया, इस ग्लास से टच नहीं कराया, थोड़ा इसके नीचे तक लेके गए, ठीक है। आपको लेंथ थ्रेड की इतनी रखनी है कि वो आइडेंटिटी इसको छुए ना, इससे थोड़ा दूर रहे। आप देखोगे फ्रेंड्स कि ये जो क्लिप है ना, ये बिल्कुल एयर में इस तरीके से खड़ी हो जाएगी बिना किसी सपोर्ट के, जैसे कि कोई पतंग उड़ रही हो। क्यों खड़ी हो रही, क्योंकि ये जो आयरन क्लिप है ना उसको ऊपर की मैग्नेट खींच रही है, और जिसकी वजह से ये थ्रेड हवा में लटकने रहेगा, जबकि ऊपर किसी चीज से फंसा भी नहीं है तब भी ये हवा में लटकने लगेगा। इस इफेक्ट को मैग्नेटिज्म का इफेक्ट कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि ये जो मैग्नेट थी जो ग्लास के अंदर थी वो उस थ्रेड को और उस आयरन क्लिप को अपनी ओर खींच रही है। अब हम कुछ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं एक एक्टिविटी की। तो देखिए एक्टिविटी टू है, यहाँ पे हम लोग मैग्नेट जैसा कुछ काम करते हैं, यहाँ पे पोजिशन ऑफ मैग्नेट और आयरन को हम चेंज करेंगे, ठीक है। मैग्नेट होगी शेफर्ड की स्टिच के एंड पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक मैग्नेट को एक हॉकी स्टिक पे बांध सकते हैं, एक वॉकिंग स्टिक पे बांध सकते हैं, क्रिकेट विकेट पे बांध सकते हैं, टेप के साथ या किसी ग्लू के साथ एक मैग्नेट को हम किसी एक स्टिक पे चिपका सकते हैं। अब हम मैग्नेट की तरह एक वॉक पे निकलेंगे स्कूल प्लेग्राउंड में। अब हम ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो स्टिक है जिसके एंड पे भाई हमने मैग्नेट अटैच कर रखी है, हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड में ये चीज कितनी चीजों को अपने साथ चिपका लेती है स्कूल के प्लेग्राउंड में, फिर कितनी चीजों को ये चीज क्या अपने क्लासरूम में चिपका सकती है। आप इस चीज को, यानी स्टिक पे जो आपने मैग्नेट अटैच की है, उसको अपने क्लास में जो डस्टर है उसके पास लेके जाइए, चौक है उसके पास लेके जाइए। फिर अगर आप घर से निकलते हैं तो आपकी मम्मी हो सकता है आपको कुछ सिक्के देती हूँ, 5 रुपए या 10 रुपए का सिक्का देती हूँ कुछ खाने पीने के लिए, कि जाओ बेटा आइसक्रीम खा लेना, उस सिक्के को उस मैग्नेट के पास लेके जाइए, क्या चिपकता है। इस तरीके की चीजों को करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीजें मैग्नेट से चिपक रही है, कौन सी चीजें मैग्नेट से नहीं चिपक रही है, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है कि डे टू डे की चीजें अपनी सराउंडिंग से इकट्ठा करिए और उसको मैग्नेट स्टिक जो कि आपने बना रखी है उसकी मैग्नेट से छुआइए और देखिए कौन सी चीजें उस मैग्नेट से चिपक जाती हैं और कौन सी चीजें उस मैग्नेट से नहीं चिपकेंगी। देखिए यहाँ पे अब आपने कर रखा है आयरन बॉल है, आयरन बॉल आयरन की बनी ऑब्वियसली मैग्नेट से चिपक जाएगी। स्केल है प्लास्टिक की बनी है, मैग्नेट से नहीं चिपकेगी। यहाँ पे मैं अगर कह दूं कि आपकी चौक है, मैग्नेट से नहीं चिपकेगी। वुडन डस्टर है, आपका मैग्नेट से नहीं चिपकेगा। क्या शू जो लेदर का बना हुआ मैग्नेट से चिपकेगा? शू तो आपके घर में लेदर के होंगे, करके देखिए एक बार ये चीज खुद से करिए फ्रेंड्स, और इन टेबल्स को फिलअप करिए तभी इस चीजों का मतलब है, ठीक है। कहीं कहीं बातों मत जाइए, यहां पे आप चीजों को सीख रहे हो, और जब आप चीजों को सीख रहे हो तो जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो 13.1 कॉलम आपको भरना है, एक लिस्ट बनानी है
ऐसी कौन कौन सी चीज है जो आपने मैग्नेट अटैच कर रखी है अपनी स्टिक पे, उससे चिपक रही है, और कौन सी है जो चिपक नहीं रही है। अच्छा, उसके बाद जब जो चीजें चिपक रही हैं, उन चीजों में एक ऐसे मटेरियल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए जो उस मैग्नेट में भी है जिसको आप चिपका रहे हो। यानी कि अगर एक मैग्नेट किसी चीज से चिपक रहा है और मान लीजिए किसी दूसरी चीज से नहीं चिपक रहा है, तो जिस चीज से चिपक रहा है उस चीज में क्या कुछ ऐसा है जो मैग्नेट के अंदर भी है, क्योंकि ये चीज तो हमारे दिमाग में आएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे से चिपक रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसको आप मैग्नेटिक बोलेंगे। इसके एग्जांपल में निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है। ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा उसको आप बोलोगे नॉन मैग्नेटिक। वुडन मटेरियल्स आ जाते हैं इसमें, और बहुत से मटेरियल्स आते हैं आपको डेली लाइफ में नजर आ जाएंगे। तब आपकी तकिया है, बेडशीट है, गद्दा है, वुडन अलमारी है, आपकी सब चीज। लेकिन साइकिल, अगर आपके घर में चलाने वाली साइकिल रखी उसके स्टील से मैग्नेट चिपकाओगे क्या चिपक जाएगी? बिल्कुल चिपक जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आप चीजों को चिपका पाते, कौन कौन सी चीजों को मैग्नेट चिपका पाते हैं। यहां पे भाई बूझो के दिमाग में सवाल आया कि भाई टेलर बटन स्टिच कर रहा था उसके शर्ट के, एकदम से टेलर की नीडल छूट के नीचे गिर गई, अब उसको नीडल नहीं मिल रही है, तो क्या मैग्नेट की वजह से आप नीडल ढूंढ सकते हो? क्या उस नीडल में ऐसा कुछ है कि वो मैग्नेट से चिपक जाएगी? बिल्कुल चिपक सकती है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो इस कुछ तरीके के एक्सपेरिमेंट्स आपको घर पे करने। फिर एक्टिविटी 3 पे आते हैं, आप एक मैग्नेट लीजिए और उसको सैंड और सॉइल में बिल्कुल रब कर दीजिए। अब किसी भी चीज को धूल मिट्टी धूल धक्कड़ में आप रब करोगे तो उस पर चिपक जाएगी, बाद में थोड़ा झाड़ोगे तो वो हट जाएगी। लेकिन जब उस पर चीजें चिपक जाएंगी सैंड और सॉइल पे, और उसके बाद आप जेंटली हटा के उस मैग्नेट से सैंड और सॉइल को हटाने की कोशिश करो, तो सैंड और सॉइल तो हटेगा बट कुछ पार्टिकल्स उस पे आपको चिपके हुए नजर आएंगे। क्या वो आयरन के पार्टिकल्स हैं जो कि सॉइल में हर जगह बिखरे हुए होते हैं? देखिए हमारा जो सॉइल उसमें हर तरीके के पार्टिकल्स मिलते हैं फ्रेंड्स, कुछ आयरन की फिलिंग्स छोटी छोटी भी पड़ी रहती है। जरूरी नहीं है कि हर जगह की सॉइल में आपको ये आयरन फिलिंग्स मिल जाए, बट ज्यादातर जगहों पर मिल जाती है। तो इस मैग्नेट को जमीन में डाल के सॉइल में करके फिर उठा के झाड़ के जो चीजें इसमें बची हुई चिपकी आपको नजर आ रही है क्या वो मैग्नेटिक है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि जो आपके घर के पास सॉइल है, सैंड है, जहां पे भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वहां जो सॉइल है सैंड है, क्या उसके पार्टिकल्स में आयरन है? ये आप अपने घर के पास करने की कोशिश कीजिए। जिस जगह पे आप घूमने जाते हैं वहां करने की कोशिश कीजिए, अपने स्कूल में करने की कोशिश कीजिए, समुद्र किनारे जाके करने की कोशिश कीजिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू इट लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज इन फिगर 13.6? देखिए 13.6 में आपको तीन फिगर्स दिख रहे हैं, सी बी ए। तो यहां पे आपको ए वाले में कोने पे ज्यादा चीजें चिपकी दिख रही, बी में कोने में थोड़ी कम चीजें, और सी के कोने में कुछ चीजें चिपकी हुई नहीं दिख रही है। तो ए में क्या मेनी आयरन फिलिंग्स चिपकी है, बी में फ्यू आयरन फिलिंग्स है, सी में कोई भी आयरन फिलिंग्स नहीं है। तो जिस सॉइल में आयरन होगा वो चिपक जाएगा ज्यादा, जिसमें बिल्कुल नहीं होगा वो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे टेबल 13.2 में आपको क्या करना है कि आपने मैग्नेट को सैंड में रब किया, कितनी आयरन फिलिंग्स उसमें चिपकी, तो आप अपनी कॉलोनी, शहर, सिटी और विलेज का नाम यहां कोट करिए, और साथ साथ कितनी आयरन फिलिंग्स चिपकी है मैनी वेरी फ्यू और नन के फॉर्म में यहां पे कोट करिए। ये आपकी एक एक्टिविटी है जिसको आपको करना है। इससे आपको दो चीजें पता चलेंगी, एक तो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म समझ में आएगा, और दूसरी चीज आपको ये समझ में आएगी कि भाई आपका सॉइल कितना मैग्नेटिक है और कितना नहीं है। ठीक है, अब पोल्स ऑफ मैग्नेट की बात की जाती है। ये पोल ऑफ मैग्नेट क्या है? पोल मतलब कोना, इतना तो पता है। पोल मतलब एक किनारा होता है, बीच का पार्ट को आप पोल नहीं कहते हो, इतना तो बेसिक इंग्लिश में आपको समझ में आता होगा। अब आपने देखा कि जब आपने मैग्नेट को सॉइल में रब किया तो आयरन फिलिंग उससे चिपक गई, कहां चिपकी? कुछ स्पेशल चीज दिखी कि वो मैग्नेट से कहां चिपकी? अब इसको देखने के लिए एक चीज देखोगे आप एक शीट और पेपर लीजिए और उस पर कुछ स्पेसिफिक आयरन फिलिंग्स को फैला दीजिए। अब ये आयरन फिलिंग्स आपको एक कारपेंटर की दुकान पे मिल जाएंगे, ये छोटे छोटे किले होते हैं ना फ्रेंड्स, क्या होता है घर में छोटी छोटी कीले होती हैं आपके पास, वो कीलों को आप दीवार में, घड़ी टांगने में, बहुत सारी अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करते हो, तो वो कीलों को भी आप डाल सकते हो उस पेपर पे, और फिर एक बार मैग्नेट को लेके, और आप देखोगे एकदम से दौड़ के आयरन फिलिंग्स उस मैग्नेट से चिपक जाएंगी। जब आप इस आयरन फिलिंग को मैग्नेट से चिपकते हुए देखोगे, क्या आप कुछ यूनिक देखोगे? आप देखोगे फ्रेंड्स कि वो आयरन फिलिंग्स ज्यादातर उस मैग्नेट के कोने में चिपक रही है, और उसके बाद एक बार जब वो चिपक जाए उस मैग्नेट से, तो आप उस आयरन फिलिंग्स को फिर से अलग करिए
और फिर से उस मैग्नेट को उन आयरन फिलिंग्स के पास लेके जाइए और फिर से देखेंगे कि भाई ये जो आयरन फिलिंग्स है उसके कोने में चिपक रही है, उसके पोल्स पे चिपक रही है फ्रेंड्स। तो आप ये एक्टिविटी पिंस, आयरन नेल्स, आयरन फिलिंग्स किसी के साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग मैग्नेट के शेप्स के साथ भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स कि वो मैग्नेट के साथ ये आयरन फिलिंग्स किस फॉर्म में चिपक रही है। तो यहाँ पे यू फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द रीजन क्लोज टू द टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट एंड पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेट टू बी नियर दीज टू एंड्स। तो इन दो एंड्स के पास पोल होते हैं मैग्नेट के जहां पे ये चीजें चिपक रही हैं, ठीक है, ये पोल्स होते हैं इसके। अब यहां पे पहेली के पास एक पजल है कि आपके पास दो आइडेंटिकल बार्स हैं, एक आयरन का एक मैग्नेट का है, ठीक है, तो एक सिंपल आयरन बार है और एक मैग्नेट है, तो आप ये कैसे पता चलोगे, पता करोगे कि कौन सा मैग्नेट है। अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक अगर मान लीजिए आयरन बार है, अब तक मैंने आपको ये जो आयरन फिलिंग्स वाली एक्टिविटी बताई है, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, मान लीजिए साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस मैग्नेट से कुछ इस टाइप से निकलेंगी, ये इनका डायरेक्शन होगा, ठीक है, यहां से भी ऐसे, ये इनका नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये एक चीज बताई। अभी अर्थ का मैग्नेटिज्म जब मैं आपको समझाऊंगा ना तो ये चीजें आपको थोड़ी और समझ में आएंगी। अब इस मैग्नेट के प्रयोग से क्या कुछ और चीजें भी करी जा सकती है, हम आयरन फिलिंग्स को चिपका रहे हैं, अपने फ्रिचर्स पे स्टिकर्स को चिपका रहे हैं, ठीक है, पेंसिल बॉक्स बंद हो रहा है, रेफ्रिजरेटर बंद हो रहा है, इस टाइप की बहुत सी चीजें हो रही है मैग्नेट से, और भी बहुत सारी चीजें। एंशियंट टाइम में मैग्नेट्स का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, देखिए मैग्नेट्स एंशियंट टाइम से लोग मैग्नेट्स के बारे में जानते हैं, मैग्नेट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने पता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां भी है मैग्नेट्स के बारे में। एक कहानी ये कि एक एम्परर था चाइना में जिसका नाम था हुआंग टी, वो जब चलता था उसके पास जो चैरियट था, चैरियट मतलब एक वुडन प्लेटफॉर्म जिसपे आप बैठ सकते हो और उस वुडन प्लेटफॉर्म को एक घोड़ा खींचेगा, उस चैरियट पे एक लेडी थी और वो लेडी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रखी थी और जो उसका एक्सटेंडेड आर्म था वो डायरेक्शन दिखाता था। तो इस स्टैच्यू के अंदर एक बहुत स्पेशल पार्टी थी, प्रॉपर्टी थी कि इस जो लेडी का जो एक्सटेंडेड आर्म है ना वो हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करता था, और साउथ की तरफ जब आर्म पॉइंट आउट करता था तो एम्परर बाकी डायरेक्शन उसके साथ निकाल लेगा, चूंकि अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, तो अगर आपको साउथ की डायरेक्शन का पता है तो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट आप अपने आप पता कर लोगे अगर आपको एक भी डायरेक्शन पता है तो जहां जहां इस एम्परर का चैरियट जाता था वहां वहां वो लेडी का एक्सटेंडेड हाथ साउथ डायरेक्शन दिखा देता था और साउथ डायरेक्शन से वो जो एम्परर था वो बाकी डायरेक्शन समझ जाता था और अपनी मूवमेंट को डायरेक्ट करता था। ये देखिए ये लेडी, अब जैसे कि इस लेडी ने ये डायरेक्शन, तो ये साउथ है, तो जैसे एम्परर को दिखा ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, तो फिर ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा, तो इस तरीके से उस एम्परर को चीजें पता चल जाती थी। अब हम एक एक्टिविटी फाइव करते हैं, ये हमने एक वो देखा क्या नाम से कि पुराने समय में मैग्नेट को इस्तेमाल कैसे किया जाता था, अब ये चीज होती कैसे थी इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इससे, एक्टिविटी नंबर फाइव से। आप एक बार मैग्नेट लीजिए, उसके एंड्स को मार्क कर दीजिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको बिल्कुल बीचों बीच एक थ्रेड से बांधिए और उसको वुडन स्टैंड से लटका दीजिए और इस तरीके से लटकाइए कि वो रोटेट करे फ्रीली, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट ना हो, बिल्कुल मैग्नेट के बीच में वो धागा बंधा हो, और आप ग्राउंड पे दो पॉइंट्स खींचिए उस मैग्नेट की डायरेक्शन को पॉइंट करने के लिए जिसपे वो पॉइंट कर रहा है जब वो रुक जाता है। तो देखिए यहां पे ये वुडन क्लैंप है, आपने बिल्कुल मैग्नेट के बीच में धागा डाटा है, इसको रोटेट करने के लिए एकदम फ्रीली छोड़ दियो, जिस डायरेक्शन में रुके जिस भी डायरेक्शन में उस डायरेक्शन की आप पॉइंट आउट कर लीजिए, जैसे कि ये इस तरीके से रुका हुआ है तो इसको आप नॉर्थ पॉइंट आउट कर लो, इसको आप साउथ पॉइंट आउट कर लो, ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है। तो आप देखोगे कि जब भी ये रुकेगा, जैसे मान लीजिए अब ये इस डायरेक्शन में रुक गया, फिर आप इसको थोड़ा हिला के छोड़ दो तब बिल्कुल रेस्ट में आएगा, तो इसी डायरेक्शन में रेस्ट में आएगा, इसी डायरेक्शन रेस्ट में आएगा। तो एक चीज जो कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी, एक मैग्नेट हमेशा जब फ्रीली सस्पेंड होने के बाद रुकेगा तो वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट क्यों करेगा, क्योंकि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से डायरेक्ट कर रहा है फ्रेंड, उसका खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब भी डायरेक्ट कर रहा है। देखिए ग्राउंड में आपने दो पॉइंट्स मार्क किए जिस पॉइंट में वो डायरेक्शन दिखा रहा है वो मैग्नेट, और जो लाइन बनेगी इन दोनों पॉइंटों को जोड़ के वो मैग्नेट की डायरेक्शन को दिखाएगा। अब नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन द डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट,
किसी भी एक डायरेक्शन में उसको घुमा दीजिए, जब वो रेस्ट में आ जाए उसकी पोजीशन को फिर से मार्क करिए, क्या वो अलग डायरेक्शन दिखाएगा? नहीं, मतलब फ्रीली सस्पेंड करने के बाद, एक बार रुकने के बाद जो डायरेक्शन वो मैग्नेट दिखाएगा उसको आप थोड़ा हिला के फिर से छोड़ देंगे, फिर जब वो रेस्ट पे आएगा फिर से वो वही डायरेक्शन दिखाएगा। तो उसका डायरेक्शन किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से एक ही हो रहा है एंड में, और वो एक्सटर्नल फैक्टर एंशियंट टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है डायरेक्शंस को पता करने के लिए। समझ गया मेरी बात को फ्रेंड्स? ये पॉइंट है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि मैग्नेट्स एक ही डायरेक्शन में रुक रहा है, मतलब आपने एक मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड किया बीच में थ्रेड से बांध के, तो वो अगर इस डायरेक्शन में आके रुका और ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो हर बार आप इसको हिला दोगे वो इसी डायरेक्शन में आके रुकेगा, अपना डायरेक्शन बदलेगा नहीं। तो यही मिस्ट्री थी एम्परर के चैरियट के पीछे जो वो स्टैच्यू लगी थी लेडी की, कि उस लेडी के नीचे भी एक मैग्नेट लगा था, और वो मैग्नेट जब भी रुकता था वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से रुकता था और डायरेक्शन दिखाता था, ठीक है। अभी एंड में मैं पूरा बताऊंगा, अभी सुनते रहिए, हो सकता है चीज अभी आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही हो, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इसी एक्टिविटी को एक आयरन बार से करिए, प्लास्टिक से करिए, वुडन स्केल से करिए। अब प्लास्टिक और वुडन स्केल में तो भाई मैग्नेटिज्म है ही नहीं, आयरन बार में आप कह सकते हो थोड़ा बहुत है। तो ये जो एक्टिविटी आपने की है अभी एक मैग्नेट के साथ, वो इन तीनों के साथ करिए और अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करिए। एक बात याद रखिएगा कि बिल्कुल हल्के ऑब्जेक्ट्स को इस एक्टिविटी के लिए मत इस्तेमाल करिएगा, और दूसरी बात, ये एक्टिविटी वहां मत करिएगा जहां पे हवा बहुत चल रही हो, क्योंकि हवा अगर तेज चल रही है तो हवा का इफेक्ट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से ज्यादा होगा। मैं बार बार अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पे वो चीज पता नहीं रखी है, लेकिन आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से मैं बार बार ये कह रहा हूं, अभी एंड में आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जब भी रुकेगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, और वो डायरेक्शन होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से आप पता कर सकते हैं राइजिंग सन इन द मॉर्निंग, ठीक है, अपना रफ डायरेक्शन ईस्ट की तरफ रफ डायरेक्शन क्या होगा, तो इन सब चीजों से आप पता कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक भी डायरेक्शन पता चल गया तो बाकी डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं, हमेशा याद रखिए। एक चीज याद रखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये याद रखिएगा। तो इससे अगर आपको कोई एक डायरेक्शन पता चल रहा है तो बाकी डायरेक्शन आप ऑटोमेटिकली गेस कर लोगे। अब जैसे कि सुबह जब सूरज उगता है तो सूरज ईस्ट में उगता है आपको पता है, तो उसके ईस्ट डायरेक्शन से आप नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन एक प्रॉपर अंदाजे से निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए सन उग रहा है और आप यहां खड़े हो, तो यहां ईस्ट है, तो इससे आप पता चल लोगे फ्रेंड्स कि ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ होगा ये साउथ होगा, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन अगर आपको पता है, आप जो मैंने आपसे बोला ना कि अगर एक डायरेक्शन आपको पता है तो बाकी डायरेक्शन आप कैसे पता करोगे, वो आप इससे पता करोगे, तो ये नॉर्थ है तो उसके अपोजिट में साउथ है, और फिर इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। इस एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को याद रखिएगा तो आप किसी भी ओरिएंटेशन को पता कर लोगे। अब मैग्नेट की बात आ गई, तो भाई देखिए वो एंड ऑफ द मैग्नेट जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है वो नॉर्थ एंड है, ठीक है, और वो दूसरा एंड जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है वो साउथ सीकिंग एंड है या साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है। तो जो एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है वो नॉर्थ सीकिंग एंड है, यानी नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है। जो मैग्नेट का एंड साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है वो साउथ सीकिंग एंड है, यानी साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है। अब इससे आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि आपके स्कूल का गेट आपके क्लासरूम के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन में, यानी क्लासरूम के अंदर बैठ के अपने गेट को, अपने स्कूल के गेट के डायरेक्शन को पता करने की कोशिश कीजिए। चार पांच लोग मिलकर करिएगा इस काम। जब भी आप एक मैग्नेट खरीदोगे, नॉर्मली नॉर्थ और साउथ पोल उस मैग्नेट में मार्क होते हैं, जो रेड वाला पार्ट होता है वो नॉर्मली नॉर्थ होता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी थी मैग्नेट की बहुत यूजफुल थी सेंचुरीज से हमारे लिए। ट्रेवलर्स इस प्रॉपर्टी को डायरेक्शन पता करने के लिए इस्तेमाल करते थे, एक नेचुरल मैग्नेट को थ्रेड से सस्पेंड कर देते थे और उसके डायरेक्शन, उसके हिसाब से वो डायरेक्शन पता करते थे। बाद में क्या हुआ कि इस चीजों को थोड़ा रिफाइन किया गया, थोड़ा एडवांस किया गया, और एडवांस करने के बाद एक मैग्नेटिक कंपास आ गया हमारे पास। तो भाई एक डिवाइस डेवलप किया गया मैग्नेट से जिसको बोलते हैं कंपास, इसको मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। एक स्मॉल बॉक्स होता है ग्लास कवर के साथ जिसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल, एक नीडल होती है जो कि मैग्नेटाइज्ड होती है और वो रोटेट करती है फ्रीली और नॉर्थ डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली पॉइंट करने लगती है। देखिए यहां पे जिस डायरेक्शन में भी खड़े हो गए, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो ये ईस्ट है तो वो वेस्ट है, तो जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेट पॉइंट कर रही होगी उस डायरेक्शन के हिसाब से आप बाकी डायरेक्शंस को पता कर सकते हैं।
मैं समझ रहा हूँ फ्रेंड्स कि अब तक आपके दिमाग में आ रहा है कि ये सब चीजें हो कैसे रही हैं, ये अपने आप की डायरेक्शन आ कैसे रहा है। अब आपको मैं मेन चीज पता करता हूँ फ्रेंड्स, हमेशा देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये एक अर्थ है, अर्थ आपको हल्का सा टिल्टेड है ऐसा मान लीजिए, तो ये मान लीजिए ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये मान लीजिए ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक पोल होगा, अगर आप एग्जैक्टली मैग्नेटिक पोल की बात करें, देखिए ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल, और जो ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक पोल होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, और ज्योग्राफिकल जो मैग्नेटिक साउथ होता है वो, सॉरी, जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और जो मैग्नेटिक साउथ होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पोल से अलग होता है। यानी आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल के बीच में तो आपको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की बात करोगे ना फ्रेंड्स, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक एलिसमियर आइलैंड है, उसके थोड़ा सा वेस्ट में मिलेगा कनाडा में। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से थोड़ा अलग है, ये हमेशा याद रखिएगा। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो एक्चुअली अर्थ के बार्क मैग्नेट का साउथ है। अब मेन चीज आती है, मेन चीज ये आती है फ्रेंड्स कि मान लीजिए ये एक अर्थ है और अर्थ का मैग्नेट आप देखोगे तो अर्थ का मैग्नेट कुछ ऐसा है जिसका नॉर्थ ये है, साउथ ये है, और आपको बताया था कि अर्थ का जो ज्योग्राफिक है नॉर्थ पोल वो ये है, अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ पोल ये है, लेकिन अर्थ के अंदर जो मैग्नेट बन रही है उसका साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे, और जब ऐसा है तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी वो कुछ ऐसे निकलेंगी। ये देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और साउथ में घुसती हैं, नॉर्थ से निकलती है साउथ में घुसती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में घुसती है। तो अगर अर्थ ऐसा है जिसमें ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर, तो इसके अंदर जो मैग्नेट होगी उसका नॉर्थ पोल सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, जो अर्थ की मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा और उसका साउथ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। और अब आप कहोगे कि जब अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो हम इस ऊपर वाले पॉइंट को जो कि कनाडा में पड़ता है एलिसमियर पॉइंट, जिसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, उसको मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों बोलते हैं, मैग्नेटिक साउथ क्यों नहीं बोलते? उसका रीजन ये है फ्रेंड्स, देखिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रखा है तो उसको हमने मैग्नेटिक नॉर्थ बोल दिया, बल्कि जबकि वो मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं, वो मैग्नेटिक साउथ है, लेकिन वो मैग्नेटिक साउथ है अर्थ के मैग्नेट का, यानी अर्थ जिस मैग्नेट को बनाता है अपने अंदर, अर्थ के अंदर अपनी एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट उसके कोर में जो हैवी मटेरियल्स घूम रहे हैं लिक्विड और सॉलिड उसकी वजह से बनती है, वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो साउथ पोल उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थ पोल साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऐसे आ रही है और आपने कोई मैग्नेट यहां सस्पेंड कर दी डायरेक्शन पता करने के लिए, तो आपको पता है फ्रेंड्स एक चीज अभी बताऊंगा कि देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट में और हमेशा लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, तो नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैग्नेट में नॉर्थ ये है तो वो साउथ पोल के साथ अट्रैक्ट होगा, तो अर्थ का साउथ पोल इधर है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका नॉर्थ पोल इस तरफ पॉइंट आउट करेगा और साउथ पोल इस तरफ पॉइंट आउट करेगा। आप समझ गए फ्रेंड्स कि एक डायरेक्शन को, एक मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो नॉर्थ की तरफ करता है और आप कहते हो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, बट वो मैग्नेटिक नॉर्थ का डायरेक्शन दिखाता है जो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास है, बट एक्चुअली में अर्थ का वो साउदर्न पार्ट वाला मैग्नेट, मतलब अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ मिलता है, पर चूंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ज्योग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं तो उसके पास जो पॉइंट है जो कि एलिसमेरे आइलैंड के पास है फिलहाल के लिए कनाडा में, वो मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया है, बट वो अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, और चूंकि वो अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है तो सारी मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल इस साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस चीज को बार बार रिमाइंड करके देखिएगा, ये मैंने आपको इतनी बड़ी बात बता दी फ्रेंड्स जो हो सकता है आपको यहां ना समझ में आए, एक दो साल बाद समझ में आए, बट जब भी समझ में आएगी ये बहुत कारगर चीज है, ठीक है। आई होप कि आप इसको और सुनेंगे, कोई डाउट हो तो पूछिएगा बाद में। अब हम अपनी खुद की मैग्नेट को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए वैसे तो मैग्नेट्स को बनाने के बहुत से तरीके हैं, हम लोग सिंपलेस्ट मैग्नेट बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लीजिए, उसको एक टेबल पर रखिए, एक बार मैग्नेट लीजिए और इस मैग्नेट के थ्रू हम उस
मैग्नेटिक, उस आयरन को हम लोग मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेंगे। तो उस बार मैग्नेट का एक पोल लेके, बार ऑफ आयरन के एक पोल तक लेके जाइए और बिना लिफ्ट किए उस पूरी आयरन के अलोंग उस मैग्नेट को आप रगड़िए, फिर उठा के ऊपर लेके जाइए, फिर रगड़िए, फिर उठा के लेके जाइए, फिर रगड़िए। यहां देखिए ये मैग्नेट है, ये आयरन बार है और ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट का एक एंड आपने यहां से लगाया और उसको ऐसे रगड़ना शुरू किया, फिर आप उसको यहां पे लेके आए, ऐसे रगड़ना शुरू हुआ। मतलब यही पोल रखना है आपको मैग्नेट का और यही साइड रखनी है आपको आयरन की, और इस तरीके से आप इसको रगड़ते जाइए, रगड़ते जाइए, रगड़ते जाइए। 30-40 बात करिए, 30-40 बार के बाद आप कुछ आयरन फिलिंग्स इसके पास लेके आइए। इस आयरन बार के पास क्या देखिए, चिपक रही है, चिपक रही है, वेलन गुड नहीं चिपक रही, तो फिर ये प्रोसेस आप 30-40 बार करिए। आप एंड में देखोगे कि आप इस आयरन बार को कुछ हद तक मैग्नेटाइज कर पाओगे। हालांकि ये मैग्नेटाइजेशन परमानेंट नहीं होगा, कुछ देर बाद इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली जाएंगी, बट इस तरीके से आप एक आयरन बार को मैग्नेट में बदल सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन आपको एक ही डायरेक्शन में करना पड़ेगा, यानी मैग्नेट के एक ही एंड से एक ही डायरेक्शन में आप उसको रगड़ते रहेंगे पूरे लेंथ के अलोंग। ये प्रोसेस आपको 40-50 बार करना पड़ेगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी करना पड़े, ठीक है। इसके लिए आप आयरन नेल का भी प्रयोग कर सकते हो, नील का भी प्रयोग कर सकते हो, ब्लेड का भी प्रयोग कर सकते हो, और उनको मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए, पर ये परमानेंट कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक आयरन नीडल को आप एक बार मैग्नेट से इसी तरीके से मैग्नेटाइज करिए, जैसे जो प्रोसेस मैंने अभी आपको ऊपर बताया, और फिर उस मैग्नेटाइज नीडल को एक कॉर्क के अंदर घुसेड़ के उस कॉर्क को एक कप के अंदर पानी पे डाल दीजिए या एक बाल्टी के अंदर पानी पे डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। पानी रेस्ट पे होना चाहिए, पानी मूव नहीं करता होना चाहिए, क्योंकि पानी मूव करेगा तो वो कॉर्क की मूवमेंट को डायरेक्ट करेगा। तो पानी स्टेल पे है, आपने कॉर्क को डाल दिया, कॉर्क जब रुकेगा तो चूंकि वो नीडल मैग्नेटाइज्ड है तो मैग्नेटाइज्ड होने की वजह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगी। और मान लीजिए फ्रेंड्स ये कॉर्क है और ऐसे नीडल रुक गई, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये नीडल का नॉर्थ एंड है और ये नीडल का साउथ एंड है। तो ये जो नॉर्थ एंड इस तरफ होगा ना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ को पॉइंट आउट कर रहा होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ को। और याद रखिएगा मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एक नहीं है, अलग अलग है। उसी तरीके से मैग्नेटिक साउथ और ज्योग्राफिकल साउथ पोल एक नहीं है, अलग अलग है। ये नॉर्थ पोल आपका मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ क्यों करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वहां पे हमारे अर्थ के बार मैग्नेट का साउथ है, तो इसीलिए इस नीडल का नॉर्थ और अर्थ के बार मैग्नेट का साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए डायरेक्शन दिखता है। तो ये कॉर्क वाटर में फ्लोट करके जब रुकेगा तो आप उस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करिए, फिर आप इस कॉर्क को फिर से थोड़ा सा घुमा के पानी में डाल दीजिए। पानी रेस्ट पे आ जाएगा, कॉर्क रेस्ट में आ जाओगे तो देखोगे आप नीडल फिर से उसी डायरेक्शन में आ गई है, यानी बार बार नीडल उसी डायरेक्शन में जाके रुक रही है, यानी कि बार बार नीडल मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, यानी कि आपने नीडल को मैग्नेटाइज करके उसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाउन करना शुरू कर दिया। तो मतलब वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हमने शुरू में की थी परमानेंट मैग्नेट के साथ, यहां पे एक नीडल को मैग्नेटाइज करके हमने उस चीज को किया, ठीक है। और बार बार जब आप नीडल को रुकते हुए देखोगे, मैग्नेटाइज नीडल जब भी रुकेगी वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, क्यों करेगी वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स का सिद्धांत देख लेते हैं। वैसे तो देखिए सिद्धांत को मैंने आपको बता दिया, कि जो अर्थ का मैग्नेट है उसका साउथ पोल की तरफ हमारे जो बार मैग्नेट्स हैं, मैग्नेटाइज चीजें, उनका नॉर्थ पोल चला जाता है, चूंकि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल्स रिपल करते हैं। बट यहां पे इसको हम एक प्रॉपर पैराग्राफ के थ्रू समझेंगे। एक इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं मैग्नेट्स के साथ। दो टॉय कार्स लीजिए, उनको ए और बी का नाम दीजिए, और इन दोनों टॉय कार्स के पीछे ऊपर एक मैग्नेट रखिए और उन मैग्नेट्स को रबर बैंड के साथ चिपका दीजिए। तो ये कार है, उसके ऊपर एक मैग्नेट है, ये बी कार, उसके ऊपर एक मैग्नेट है। रेड पोर्शन को आप नॉर्थ मान लीजिए और ब्लू पोर्शन को आप साउथ मान लीजिए, और इन कार के आप सारे ओरिएंटेशन को देखने की कोशिश करिए। अब यहां पे देखिए साउथ इधर है और इसका मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो ये साउथ और ये नॉर्थ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कार आपस में भिड़ जाएंगी। वहीं पे इस कार में अगर आप देखोगे तो इसका नॉर्थ इधर है, इसका नॉर्थ इधर है, तो ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपल करेगा, ये कार एक दूसरे से दूर चली जाएगी। तो बस यहां पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो अलग अलग पोल्स एक दूसरे के सामने हैं, अगर नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के सामने हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर साउथ और साउथ पोल एक दूसरे के सामने हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो अगर मान लीजिए यहां पे नॉर्थ है, एंड है मैग्नेट का, यहां साउथ में एंड है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर यहां नॉर्थ है, नॉर्थ है, वो तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर यहां साउथ है, साउथ है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आपके पास दो मैग्नेट्स हैं तो
एक कॉम्बिनेशन में वो मैग्नेट आपस में चिपक जाएंगे और बाकी दोनों कॉम्बिनेशन में वो दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पे आप पोजीशन ऑफ द कार से बता सकते हैं भाई, फ्रंट एंड ऑफ द कार फेसिंग फ्रंट एंड ऑफ द कार बी, तो जिस हिसाब से भी आप मैग्नेट्स का नॉर्थ और साउथ का ओरिएंटेशन रख रहे हैं उस हिसाब से आप यहां पे बता सकते हैं कि वो कार एक दूसरे से भिड़ेंगी या वो कार एक दूसरे से भागेंगी। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया, आप तो बहुत आराम से इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं कि देखिए जब भी आप मैग्नेट को एक हद से ज्यादा हीट करेंगे, उस पर हथौड़ा मारेंगे, एक हाइट से ज्यादा उसको ड्रॉप कर देंगे, उस पर शॉक आएगा, तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो सकती हैं। तो उनको सेफ रखने के लिए आपको उनकी उनको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा। जैसे कि हॉर्स शू मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी ना खो दे, तो एक मैग्नेट को आप इससे मिला दोगे। मैग्नेट्स को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में रखना चाहिए ताकि वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खोए ना। फिर जब भी मैग्नेट्स की बात आती है तो उन मैग्नेट्स को कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम्स, कॉम्पैक्ट सीडीज ऑफ द कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए, यानी टीवी, रिमोट, सीडी, ये टेप रिकॉर्डर या फिर टेप से दूर रखना चाहिए, कैसेट जैसी चीजों से मैग्नेट्स को दूर रखना चाहिए, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनकी प्रेजेंस में जल्दी चली जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा फ्रेंड्स, कंपास देखा, मैग्नेटिक कंपास देखा, मैग्नेट देखा, मैग्नेटाइट जो कि एक नेचुरल मैग्नेटिक रॉक होती है उसको देखा, नॉर्थ पोल देखा, साउथ पोल देखा, हमने ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल देखा, ज्योग्राफिक साउथ पोल देखा, हमने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल देखा, मैग्नेटिक साउथ पोल देखा। हालांकि ये हायर क्लासेस में आएगा बट मैंने बेसिक आइडिया यहाँ पे आपको दिया है ताकि आप बिल्कुल जीरो ना रहे इस चीज में। हालांकि ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ बताई है ना, ये क्लास में इस लेवल पे आपको जल्दी नहीं बताएंगे लोग, आपको बाद की क्लासेस में पता चलेंगी। बट हाँ, अगर मैं सिर्फ ये चीज यहाँ लिखी है वो बता देता तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे सब चीज बतानी पड़ी। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं भाई, देखिए मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट रॉक है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है मटेरियल को, कैसे मटेरियल को, जो आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इनके अंदर ही मैग्नेटिक एलिमेंट है, इनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, उनको मैग्नेट रिपेल नहीं, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुडन मटेरियल्स हो गए, ये सब नॉन मैग्नेटिक होते हैं। हर मैग्नेट के अपने दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ एक साउथ, जो नॉर्थ और साउथ होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ वो करता है, इशारे करता है, और उसके हिसाब से ही आप नॉर्थ और साउथ का एक लमसम आइडिया ले पाओगे। लेकिन एक मैग्नेट जब नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। बट हम उसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ मान लेते हैं क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है बट वो कम है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज देखी कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और इसी की वजह से एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एक कम मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की वजह से पॉइंट आउट करती है। चूंकि हमारे अर्थ का जो बार मैग्नेट है उसका साउथ पोल, हमारा जो बार मैग्नेट जिसको हमने सस्पेंड कर रखा फ्रीली उसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और इस अपोजिट पोल के इंटरेक्शन की वजह से एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मैग्नेटिक नॉर्थ की वजह तरफ पॉइंट आउट करेगा, और वो जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ना वो अर्थ की बार मैग्नेट का साउथ पोल है। समझ में आ गया हो, वेल एंड गुड, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, आप इस चीज को जितनी ज्यादा बार देख सके उतनी बार ज्यादा बार देखिए, अपने और से पूरी कोशिश करिए इसको समझने की, नहीं भी समझ में आएगा तो हायर क्लासेस में आपको समझ में आएगा। आज की डेट में तो फ्रेंड्स आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम लोग जब पढ़ते थे तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे, अब तो यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने एनिमेटिकली बहुत तरीके से चीजों को समझा रखा है। तो अगर आप चीजों को समझने की इच्छा रखते हैं तो आप बहुत आराम से उसको समझ लोगे, आपको जरूरत ही नहीं है। प्लस आपके क्लास में टीचर्स हैं, साथ साथ जितनी भी एक्टिविटीज हैं एनसीईआरटी को उसको ग्रुप में करें फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को ग्रुप में करेंगे आपकी नॉलेज रियली एनहांस होगी। जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपने बेसिक को ठीक से नहीं पढ़ा है तो वो इन वीडियोज को देख के अपने बेसिक्स को ब्रशअप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उनको पता होंगी, बहुत सारी चीजें उनको नहीं पता चलेंगी। अगर आपके पास समय है तो आप एनसीईआरटीज की दोबारा एनालिसिस कर सकते हैं, ये हमेशा आपकी प्रिपरेशन में यूजफुल होती है। प्लस मुझे बहुत मेहनत लग रही है इन वीडियोस को बनाने में फ्रेंड्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, अपने क्लास के बच्चों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, वर्ड ऑफ द माउथ से इन वीडियोस का प्रमोशन कर सकते हैं। थोड़ा व्यूज मिलेगा तो मुझे भी लगेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं तो मेरी मेहनत करने का कुछ इफेक्ट पड़ रहा है फ्रेंड्स।
और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप खुद से पढ़िए, एनसीईआरटी के बुक्स को डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, ई पाठशाला की ऐप भी आई है एनसीईआरटी की, आप उसको भी डाउनलोड करिए, अपने फोन में बैठे बैठे आप चीजें पढ़ सकते हैं, फोन में फेसबुक इंस्टाग्राम की जगह इस चीज पे ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।